जय माता रानी भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मंगला गौरी के व्रत में बनाए जाने वाले 16 बाती का दीपक किस प्रकार से बनाएं और सिलपट्टा के, जिसे हम सिलोरा भी या फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, वह कैसे बनाएं, उसकी वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, दीपक बनाने के लिए हमें जो है आटे की जरूरत होती है। आपको जितना बड़ा दीपक बनाना है उतना आटा आपने लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। आपने जितना बड़ा चौमुखी दीपक बनाना है या जितना छोटा या बड़ा बनाना है आपने उतना आटा लेना है और जल लेना है, उसमें गंगा जल थोड़ा सा मिला लें ताकि शुद्धिकरण हो जाए। तो मैंने यहाँ गेहूं का आटा एक कटोरी लिया है, यानी 100 ग्राम या 150 ग्राम आप आटा ले सकते हैं। यदि ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 16 दिए भी बनाना चाहते हैं तो आप 250 ग्राम आटा ले सकते हैं। तो देखिए, जो मैंने आटा था वो गूंद के पहले से ही रख लिया था। टाइट आटा गूंदना है क्योंकि जब हम दीपक बनाएं तो उसका शेप खराब नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलबट्टा बनाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो है इस तरह से गोल गोल करना है। जब हम टाइट आटा गूंथते हैं ना तो वो थोड़ा सा शेप लेने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम माता के लिए बना रहे हैं तो श्रद्धा भाव से आप इस चीज को बनाएं और जल्दबाजी ना करें किसी चीज को बनाने के लिए। तो देखिए, हमारा ये सिलबट्टा बन करके तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे सिल, जो जिसपे हम मसाला पीसते हैं ना, सिलोरा, तो वो बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमें बना लेना है। तो बनाते समय आप माता पार्वती का ध्यान करते रहें, ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करते रहें या फिर ओम नमः शिवाय जय माता रानी का भी जाप करते रहें। इस तरह से हमारा ये जाप भी हो जाएगा और हमारा जो ये सिलबट्टा है ये बन करके तैयार हो जाएगा। तो जो हम अपने हाथों से बना करके पूजन करते हैं ना, उसमें हमारी श्रद्धा भाव छुपी होती है। तो आप इस तरह से बना लें, ज़्यादा शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कलाकारी की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको आता है आप वैसा सिलबट्टा बना सकते हैं। आप चाहें तो आप जो पत्थर के सिलबट्टा होता है आप वो भी पूजा में यूज कर सकते हैं। जो इसमें विशेष मुख्य बात होती है वो आटे का सिलबट्टा और आटे से चौमुखी दीपक बनाया जाता है, उसी की ही पूजा मंगला गौरी के व्रत पूजन में किया जाता है। देखिए, अब हम ये और आटा ले लेंगे और चौमुखी दीपक बनाएंगे। तो आप आटे को थोड़ी देर के लिए रख भी सकते हैं, नहीं तो आप साथ ही साथ आप बना भी सकते हैं। तो इस तरह से लोइयां काट लें और अच्छी प्रकार से मसल मसल के आपने बनाना है। तो जब आप बनाएं तो देखिए, जो चौमुखी दीपक होता है इसका जो अर्थ होता है कि आप गोल गोल शेप भी दे सकते हैं इस प्रकार से। और जो दीपक होता है ना, वह चार दिशाओं को मेंटेन करता है, चारों दिशाओं में, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और जो 16 बाती इसमें हम लगाएंगे वह 16 सिंगार को मेंशन करती है, यानी दर्शाती है। मंगला गौरी के व्रत में 16 सिंगार का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो देखिए, इस तरीके से हम इसमें जो है बाती का जो मुख होता है जिसमें हमने बाती लगानी है उसे हम इस तरह से शेप दे देंगे। और देखिए, दीपक को थोड़ा डीप रखें क्योंकि हमारा जब तक पूजा हो रही हो तब तक हमारा दीपक जलता रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। इस तरह से हमें बड़ा दीपक बनाना है। तो इस तरह से हमारा जो दीपक तैयार हो जाता है, तो ये दीपक तैयार हो गया है। तो इसके बाद हम बात ही, आप चाहे तो लंबी बाती का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखें, हमारा शेप बन करके तैयार हो गया, जितना बड़ा चाहे आप उतना बड़ा दीपक बना सकते हैं। तो टाइट आटा जरूर से गूंथें, अगर नरम आटा गूंथे हैं तो शेप नहीं बनती है। तो देखिए, हमारा ये दीपक तैयार हो गया है। अब इसमें हमें कलावे की जो बाती लगानी है वो चार चार की लगानी है, यानी हमें 8 जो है चारों दिशा में 16 बाती का लगाना है। तो आप अपनी कलावे की बाती में देख लें कि कितनी वो है, सूत हैं, तार गिनने हैं, तार कितने हैं उसके हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर जो मैं कलावा ले रही हूँ उसमें 4 धागे हैं, मीन्स वह एक बार में 4-4 करके 16 बार माने जाएंगे। अगर आप एक ही बाती लगाते हैं वो तो 4 ही बार माना जाएगा। यदि हम कट करके चारों दिशाओं में लगाते हैं तब जाकर के वो 16 होते हैं। तो 4-4 बाती करके आप 16
लगा ले, गिन करके धागा लगाना है। अगर आपको दीपक बहुत देर तक जलाना है तो बड़ा ही दीपक बनाए और अच्छे से लगा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर ये कलावा चारों तरफ लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने कलावा लगाया, लगाने के बाद में आप घी का जो है दीपक तैयार करना है। अगर आप घी नहीं यूज करते हैं तो आप तिली के तेल का भी दीपक यूज कर सकते हैं और इसे अच्छी प्रकार से डिप करके रख ले, सेट कर ले, ताकि ये जब हम दीपक जलाएं तो ये अच्छे से जल जाए। तो इस तरह से हमें भिगो करके रख लेना है। तो देखिए बहुत ही ये जो है दीपक जलाना शुभ होता है, तो आप जरूर से बना लें इस तरह से। और उसके बाद में हमें क्या करना है, जो हम पूजा के लिए कोई भी वस्तु बनाते हैं उसको हमें ऐसा खाली ही नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर हम ऐसे छोड़ देते हैं तो इंद्र देवता कहते हैं कि वो हमारी इनकी पूजा करके चले जाते हैं। तो हमें चंदन रोली से टीका जरूर से करना है। तो इस तरह से हमें ये करना है, ये बहुत ही शुभ रहता है और दीपक विशेष रूप से बनाया जाता है मंगला गौरी व्रत में। अब इसके बाद हम जो सिलोड़ा बट्टा बनाए हैं इसका भी हमें यहाँ पर पूजन करना है, और वो छोटे छोटे साइज का भी बना सकते हैं, बड़े साइज का भी बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा बना सकते हैं। तो जो मंगला गौरी का व्रत है, सुहागन स्त्री अपने अखंड सौभाग्य के लिए और कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए करती हैं, तो आपने यह दीपक जरूर से बनाना है, सिलोड़ा जरूर से बनाना है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, दीपक बनाने की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखे पूरे वीडियो देखने।